तो दोस्तों सब्सक्राइब करो फरियाज रिएक्शन को और घंटे को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहे हर अपडेट हमारी नई वीडियो के बारे में। दोस्तों, अगर आपका YouTube पे एक चैनल है और अपने चैनल के लिए एक इंट्रो बनाना चाहते हैं जो आजकल बहुत डिमांड में है, बेल आइकन एंड सब्सक्राइब वाला इंट्रो, और आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं बनाना चाहते या आपके पास नहीं है, आप अपने फ़ोन से मैनेज करते हैं, काइंड मास्टर यूज़ कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, वो ये कि आपको ये बनाने के लिए काइंड मास्टर में वीडियो लेयर ऑप्शन चाहिए, जो कि बहुत कम फोन में सपोर्ट कर रहा है। और मैंने बहुत वीडियोस देखी लेकिन किसी में भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो लोग बिना वीडियो लेयर के ऑप्शन के एक बेल आइकन इंट्रो बना दे। तो मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और एक तरह से बना दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए मैंने कैसे बनाया। स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान है, आराम आराम से देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं फरहान सेक्शन, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने YouTube में ऐप में, और वहाँ पे आपको अपना चैनल ओपन करने लाना है, और उसमें आपको ये एक स्क्रीनशॉट लेना है अपना चैनल का। उसके बाद आपको ओपन करना है काइन मास्टर, न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, एमटी प्रोजेक्ट मीडिया। बैकग्राउंड में आप चाहे डाउनलोड करके भी कोई पिक लगा सकते हैं, और इसके कुछ अवेलेबल भी हैं बैकग्राउंड, मुझे ये पसंद है मैं ले लेता हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका इंट्रो 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका लेयर सेलेक्ट करना है, इमेज, उसके बाद दोस्तों आपको ये एक स्मार्टफोन आइकन डाउनलोड करना है। गूगल पे आप लिखेंगे आराम से आपको ये मिल जाएगा। इसको बहुत आराम से सेट करें कुछ इस तरह। अगेन आपको लेयर में जाना है, इमेज, और आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था अपने चैनल का वो ओपन कर लेंगे और उसको इसमें बीच में सेट कर देंगे। दैट्स इट। अब आपको दोबारा लेयर में जाना है, टेक्स्ट में लिखना है कैपिटल लेटर्स में सब्सक्राइब्ड। ओके, इसको कलर हम दे देंगे रेड। आप इसमें नीचे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर ऑन, और इसको भी हम रेड देके ओपेसिटी कर लेंगे 100%। अब इसको आप छोटा करिए और जहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइब लिखा है उसकी जगह पे आप लगा दीजिए। अब इसको आप थोड़ा सा आगे कर दें। अब अगेन आपको लेयर में जाना है, टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अपना वो क्लिक वाला फिंगर चाहिए, तो इसमें आप नीचे जाएंगे, ये आपका ये रहा, इसको आपने सेट कर देना है सब्सक्राइब पे। थोड़ा आराम से करिएगा। कुछ इस तरह ओके कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको पहले तो करना है ड्यूरेशन इसकी छोटी, और इसी में आपको इन एनिमेशन देना है। सबसे नीचे आप जाएंगे, स्केल डाउन 0.5 सेकेंड्स। अगेन इसमें अब आपको आउट एनिमेशन देना है, सबसे नीचे जाएंगे, स्केल अप अगेन 0.5 सेकेंड्स। अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो दोस्तों ये सेव हो गया है। अब आप दोबारा एमटी प्रोजेक्ट में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जो आपने लास्ट एक इंट्रो बनाया था उसको ओके कर लीजिए, प्ले करके देख लीजिए एक बारी। अब आपको इसमें क्या करना है, अगेन लेयर में जाइए, टेक्स्ट, और यहाँ पे टाइप करिए बेल, ये आपकी बेल आ जाएगी। इसको आपने सेट करना है इस तरफ, थोड़ा सा छोटा। अब इस बेल में आपको ये क्लिक करना है, 3 डॉट्स दबाने हैं और इसको डुप्लीकेट कर देना है, और जो डुप्लीकेट बेल होगी उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए साइज़ में। अब जो बड़ा वाला है उसको आप इन एनिमेशन में जाइए, स्केल अप और 0.5 सेकेंड्स,
फिर आपको दोबारा लेयर में जाके टेक्स्ट और अगेन वो क्लिक वाला ऑप्शन लेना है। तो आप इसमें जाइए दोबारा नीचे, ओके, और इसको आपने प्लेस करना है अपने बेल आइकन पे, कुछ इस तरह। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। इसको आप अगेन छोटा कर लें ड्यूरेशन, और सेम स्टेप इन एनिमेशन स्केल डाउन, दोबारा उसी पे आउट एनिमेशन स्केल अप, और जो आपका ये बेल है इस पे आपको दोबारा इन एनिमेशन पे जाके स्केल अप आपने कर रखा है, ओके। अब आपको इसको ड्यूरेशन के हिसाब से रखना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा फास्ट है, तो उसके लिए हम इसको आगे करेंगे और इसको भी हम आगे करेंगे, थोड़ी सी ड्यूरेशन इसकी कम करेंगे। प्ले करके देखिए, ओके, तो फिर भी थोड़ा ठीक है। इस हिसाब से अपना टाइमिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और फिर इसमें आपको वॉइस डालनी है, तो यहाँ वॉइस पे जाके रिकॉर्ड कर दीजिए, जैसे कि स्वागत है आपका फ्रेजेक्शन में, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये जस्ट मैंने आपको एक सैम्पल दिया, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। इससे आपका रेडी हो जाएगा बिना वीडियो लेयर के एक बेल आइकन इंट्रो। स्वागत है आपका फ्रेजेक्शन में, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेके, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस बार मैं सोच रहा हूँ, एक हम एम रखते हैं अपने लाइक्स के लिए, तो हम एम रखते हैं 5 लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से जल्दी इस एम को पूरा कर देंगे और हमें सपोर्ट करिए जितना हो सके। और बेल आइकन को अगर आपने नहीं दबाया उसको दोबारा दबा दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो रही है नोटिफिकेशन को लेके। तो आपको जब भी हम कोई नई वीडियो डालें, सबसे पहले आपको पता चले कि क्या हमने वीडियो अपलोड करी है। तो दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं दोबारा एक नई टेक वीडियो के साथ। अलविदा।